दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों 14 जुलाई 2021 आज का लवतित्व जानते हैं। आज क्या प्रयोग करें, आज क्या उपाय करें, आज क्या लवतित्व करें जिससे आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाए, मैरिड लाइफ में पहले जैसा प्यार बन जाए, एक दूसरे की स्थिति जो खराब चल रही है वो सही हो जाए, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आज के उपाय में आपको करना क्या है, ये उपाय बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनका असर बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा इसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। उपाय तो जो बताते हैं वो वही उपाय होते हैं, लेकिन ये उपाय एक दिन के लिए ही होते हैं। जो आपके राशि, ग्रह, नक्षत्र पर आधारित और जो अभी वर्तमान का गोचर है उस पर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं आपको। करिएगा, क्या उपाय है आज आपको उपाय में ये करना है कि आपको केसर लेनी है थोड़ी सी, और चंदन, अगर आप बाज़ार का चंदन, चंदन की लकड़ी से घिस करके बनाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाज़ार में जो चंदन आता है वही पीला चंदन आप मिलाइए केसर में और उसे घिस लीजिए, और उसको थोड़ा सा उसमें परफ्यूम डाल दीजिए, कोई नया परफ्यूम जो आप भगवान को लगाते हैं वो डाल दीजिए, और उसके बाद में उस परफ्यूम लगे हुए जो चंदन है कटोरी में, आप किसी भी कटोरी में लगा लेंगे, और उससे हाँ खास करके तांबे की कटोरी में बिल्कुल भी मत लगाना ये चंदन, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आप इसे चांदी की या स्टील की कटोरी में या किसी दोने इत्यादि में भी लगा सकते हैं, और उसके बाद में इस चंदन से जाकर के भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर जाकर के त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड क्या होता है गूगल कर लेना, त्रिपुंड या यूट्यूब पर देख लेना वीडियो, जो भस्म लेपन करते हैं भगवान भोलेनाथ, त्रिपुंड लगाते हैं पंडित लगाते हैं कुछ, तो वो त्रिपुंड आप उस पर वीडियो देख लीजिएगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये त्रिपुंड लगाते समय मन में ओम नमः शिवाय का जप करना और अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना करना, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार बन जाएगी और आपको ये उपाय बहुत ज़्यादा लाभ देगा। लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो ये आपका लव टिप्स हो जाएगा और आज का दिन आपका बेहतर जाएगा। दोस्तों अगर ऐसे ही लव टिप्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।